हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विनय गांधी आप सबका स्वागत करता हूं। एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आप लोगों को देने वाला हूं। स्पेशली ये जो वीडियो है जेई मेन एस्पिरेंट्स के लिए है, ठीक है, जो इस बार 2023 में जेई मेन के एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि अब जेई एडवांस की डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है। जेई एडवांस की डेट मैं आपको बता देता हूँ। जेई एडवांस की डेट जो इस बार रहेगी 2023 में, वो रहेगी 4 जून 2023। ठीक है, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 4 जून 2023 को जेई एडवांस का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। और इसकी जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 30 अप्रैल से। 30 अप्रैल से लेके 5 मई तक इसकी फॉर्म फिलिंग चलने वाली है। 4 जून को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा और रिजल्ट जो है 18 जून को डिक्लेयर हो जाएगा। मतलब इससे हम समझ सकते हैं कि जो जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट, ठीक है ना, जो कि अप्रैल फर्स्ट वीक में होने वाला है, उसकी डेट्स भी आप लोगों को पता ही है, लगभग 6 से लेकर 12 तारीख तक, है ना, 6 से 12 अप्रैल के बीच में। तो जो रिजल्ट है जेई मेन का रिजल्ट, वो 30 से पहले पहले डिक्लेयर हो जाएगा और तभी जो है एडवांस की फॉर्म फिलिंग इस अप्रैल से लेकर 5 मई तक हो पाएगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार का जो जेई एडवांस का एग्ज़ाम है वो आईआईटी गुवाहाटी कराने वाली है। मतलब जो कंडक्टिंग बॉडी रहेगी इस बार जेई एडवांस के एग्ज़ाम के लिए, वो आईआईटी गुवाहाटी रहने वाली है, ठीक है। और सबसे बड़ी और मेजर बात यह है कि जो जेई एडवांस का बुलेटिन आया है उसके अंदर 75-65% की तो बात कही ही गई है, साथ में टॉप 20% का भी जिक्र किया गया है, जो कि कुछ बच्चों के लिए बहुत ही खुशी की बात हो सकती है। इसका डिक्लेरेशन एनटीए ने नहीं किया था अपने बुलेटिन में, ठीक है ना, बट जे एडवांस ने, मतलब जे जो आईआईटी गुवाहाटी ने बुलेटिन जारी किया है, जे एडवांस ने जारी किया है, उसके अंदर इस बात का जिक्र है। तो इस बात के पूरे पूरे चांसेस हैं कि जब आईआईटी के अंदर एडमिशन के लिए टॉप 20% का क्राइटेरिया लागू होता है, हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जेई मेन के, मतलब एनआईटीज के एडमिशन के लिए भी टॉप 20% का क्राइटेरिया लागू होना चाहिए, ठीक है ना। हो सकता है कुछ करेक्शन हो गया, एनटीए इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया दे जल्दी ही, क्योंकि सभी लोग कोटा के अंदर, सभी लोग, जैसा कि मतलब मेजर मेजर सभी जो कोचिंग्स के डायरेक्टर लोग हैं, जैसे कि मैं बात करूं, जैसे पीडब्ल्यू के अंदर बात करें तो अलग पांडे सर है, उन्होंने भी एक मुहिम स्टार्ट की हुई है। एनवी सर की बात करें, एनवी सर ने भी जो है डिजिटल सत्याग्रह चालू किया हुआ है। बीएम सर भी जो है पूरे जोशो खरोश के साथ लगे हुए हैं, दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं वो भी, कि दिल्ली जाएंगे और बात करेंगे इस बारे में, एनटीए के जो भी आला अधिकारी है उनसे बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जब जेई एडवांस, मतलब आईआईटी के अंदर एडमिशन के लिए अगर टॉप 20% का रिटर्न में आ चुका है, आप देख भी सकते होंगे स्क्रीन पे, आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि जब वहाँ पे उन्होंने जिक्र कर दिया है टॉप 20% का, तो ऑब्वियस सी बात है कि एनआईटी और ट्रिपल आईटी में एडमिशन के लिए भी ये क्राइटेरिया लागू होगा और इसके पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना चाहिए, फॉर्म फिलिंग अभी ना करें, है ना, फॉर्म फिलिंग में थोड़ा सा समय लें अभी, क्योंकि अभी 12 जनवरी तक फॉर्म फिलिंग है, तो हमारे पास समय है अभी। तो फॉर्म फिलिंग अभी ना करें, कोई जल्दबाजी ना करें, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, ठीक है। डेट भी एकदम से डिक्लेयर कर दी एनटीए ने, क्योंकि अगर पता था कि जनवरी में कराना ही है, तो हो सकता है अगर कुछ समय पहले वो डेट डिक्लेयर कर देते तो काफ़ी अच्छा रहता, काफ़ी सारे स्टूडेंट के लिए अपनी पढ़ाई को प्रॉपर वे में वो रिवाइज कर पाते, अपने कोर्स को रिवाइज कर पाते, ठीक है। बट एनीवेज जो भी है, अभी तो डेट डिक्लेयर हो चुकी है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अभी जो असमंजस वाली स्थिति थी वो 75% वाले क्राइटेरिया पे ही थी, बट अब काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये एडवांस के बारे में, जैसे मैंने बताया कि ये एडवांस के बुलेटिन में ये चीज़ मेंशन है, तो हो सकता है एनटीए अब कोई जल्दी ही इस पर प्रतिक्रिया दे, तो हमें थोड़ा सा समय का वेट करना होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई थी जो मेरे को देनी थी आपको। और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो नए पर्सन देख रहे हैं इस वीडियो को वो ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।